सो गाइज वेलकम बैक टू अदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोको X2 के बारे में। जी गाइज, इसमें जो है अपडेट हमको मिल रहे हैं गायब हो जा रहे हैं, डाउनलोड होते हैं, डाउनलोड होने के बाद गायब हो जाते हैं, अपडेट मिल रहे हैं तो कुछ बग्स हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो क्या है यार, डाउनलोड कहाँ से करें इसको, एक्चुअल में जो स्टेबल वर्जन है वो कहाँ से डाउनलोड करें, तो आज की इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ। बट यहाँ पर सबसे पहले बात कर ले मेरी, आपने देखा होगा गाइज मैं काफ़ी दिनों से चैनल पर इनएक्टिव हूँ, तो बहुत दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ, समथिंग 8 से 9 दिन हो गए मुझे वीडियो डालते हुए सॉरी। तो गाइज क्या चल रहा है कि यार मैं जो है गेमिंग चैनल बना रहा हूँ आप सभी के लिए, उस पर अपन GTA 5, PUBG, काफ़ी सारे बड़े बड़े भारी भारी चीते गेमों की स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, मजा आने वाला बहुत ज़्यादा। तो चैनल तो मैंने अभी क्रिएट कर दिया, 2 वीडियो डाल भी दिए मेरे फ्रेंड के जो है, एक PC पे खेले था मैं तो 2 वीडियो डाल दी मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हाफ गेमर करके, तो हाफ गेमर को जाके सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, वहाँ पे जाके कमेंट कर देना टेक बीट इस चैनल पर नया, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है पोको X2 में अपडेट आया था समथिंग एक वीक पहले अपडेट आया था और मैंने भी यहाँ पे जो है अपडेटिंग चालू कर दी थी। उसके बाद में क्या हुआ इस आधे घंटे बाद जब मैंने देखा तो समथिंग 800-900 MB का अपडेट आया था और मेरा डाटा थोड़ा स्लो था, तो मेरा 400-500 MB के आसपास आधे घंटे में जो है डाउनलोड हो पाया था, क्योंकि डाटा की प्रॉब्लम थी, स्पीड थोड़ी स्लो थी, उसके कारण धीरे धीरे करते करते मेरा जो डाटा है वो खत्म हो रहा था, 400-500 MB यूज हुए थे। बट जैसे ही गाइज यहाँ पे 50% से ऊपर निकला जो डाउनलोडिंग था अपडेट का, तो ऑटोमेटिकली गायब। वहाँ पर देखा मैं तो MIUI 11 ओनली, यार MIUI 11 ही आ रहा था, MIUI 12 गायब हो गया, परमानेंट गायब। फिर मैंने YouTube पे वीडियोस वगैरह चेक करी बहुत सारी, तो मेरे को पता लगा मेरे साथ ही नहीं है, बहुत लोगों के साथ हुआ है ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी यार Xiaomi जो है ये करती रहती है, MI जो है ये करती रहती है, तो यहाँ पे Poco F1 के साथ भी बहुत बार मैंने चोट खाई हुई है इस चीज़ को लेके, कि Poco F1 का जो अपडेट था वो रोल आउट होता था, रोल आउट होने के बाद में फिर गायब हो जाता था, फिर आता था, फिर भाग जाता था, कुछ लोगों को मिलता था, कुछ लोगों को नहीं मिलता था। तो गाइस बिल्कुल चीते फ़ोन है, सब कुछ फाड़ के रख देते हैं। बट यहाँ पे अपडेट को लेके यार बहुत ज़्यादा बकवास है, अपडेट फोन का अपडेट बकवास है, बाकी कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छे हैं, पावर भी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी निकालता है पोको, बट बस अपडेट को लेके थोड़ा सा मेरे को इशू रहता है इसका। इस वीडियो में आगे तक बने रहो, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मतलब स्टेबल वर्जन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस एक्चुअल मैं बता दूँ ऐसा होता क्यों है कि अपडेट जो है आता है और चला जाता है। तो गाइस होता क्या है कि पोको जो अब अपडेट हमको दे देता है, उसके बाद में जो है कुछ लोग फटाक से अपडेट कर लेते हैं और जो भी उनको प्रॉब्लम लगती है, जैसे कि पोको ने 10 लाख लोगों को अपडेट भेजा, उनमें से इंस्टेंटली 5 या समथिंग 10 हज़ार लोग तुरंत जो है अपडेट कर लेते हैं और जो प्रॉब्लम उनको फेस करने मिलती है वो उनको फीडबैक में तुरंत भेज देते हैं। उसके बाद पोको टीम को अगर ज़्यादा गलती लगती है, ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम लगती है अपडेट्स में, तो वो अपडेट्स को वापस ले लेते हैं और उनको फिर तैयार करके, उनको ठीक करके दोबारा से उसके बाद में दोबारा रोल आउट करते हैं, तब जो है सबको मिलता है। बट गाइस हमारे वेबसाइट वाले भैया बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपडेट आते ही उसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर चेप देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट पर अपडेट आने से पहले भी जो है अपडेट मिल जाता है हमको, तो ये चीज़ आपने देखी होगी, तो वो बीटा टेस्टर होते हैं। बट जो स्टेबल अपडेट होता है वो भी ऐसे ही आता है, जब अपडेट आता है तब वो क्या करते हैं अपडेट को उठा के वहाँ से अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है इसके आपको जो अपडेट वहाँ पे मिल जाता है वो वाला अपडेट मिलता है जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ी बहुत। स्टेबल अपडेट आपको सेटिंग में जाके, अबाउट सेक्शन में जाके, और वहाँ पर जो स्टेबल अपडेट का जो नोटिफिकेशन आता है चेक अपडेट, वहीं से आपको ऑफिशियल और एकदम ओरिजिनल और एकदम स्टेबल जो है सही, बिना लैग बिना बग वगैरह का जो अपडेट है वो आपको वहीं से मिलता है। जबकि जो वेबसाइट वगैरह होती है इनमें थोड़ा बहुत ऐसे इशू रहता है, बट फिर भी अगर आपको अपडेट करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है अपडेट की, तो वहाँ से आप जो है MIUI 12 का अपडेट का जो लिंक है वहाँ से उसको ओपन करके MIUI 12 को डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में। काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके फीचर्स के बारे में बात करने वाला है, बहुत ही कमाल के फीचर्स भर भर के दिए हैं, बहुत प्यारा यार सीरियसली। जिन लोगों को अपडेट नहीं मिला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके अपडेट कर लो। यहाँ पे Poco F1 वालों के लिए भी खुशखबरी है, उनके लिए भी अपडेट आ रहा है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही गाइस, आने वाली और वीडियोस में जो है बहुत ही कमाल की बात करने वाले हैं। अगर आपको गेमिंग चैनल में इंटरेस्ट रखते हो गाइस थोड़ा भी, तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नीचे हाफ गेमर की लिंक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। GTA 5 PUBG की मोबाइल लाइव स्ट्रीम, GTA 5 PUBG की कंप्यूटर PC वाली लाइव स्ट्रीम अपन करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोनों चैनलों को, इस वाले को भी कर लो यार, ये तो आपके भाई का है ही, ऐसे भी 10,000 होने वाले हैं तकरीबन सब्सक्राइबर, तो कर लो सब्सक्राइब यार, क्या जाता है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।